वाह, 300 के अंदर में इतना अच्छा गेमिंग हेडफोन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरे पास कॉस्मिक बाइट ब्रांड से आने वाला एक गेमिंग हेडफोन है और इसका मॉडल नंबर है कॉस्मिक बाइट GS411। और आज का इस वीडियो में सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका रिव्यू करने के साथ साथ इसका गेमिंग टेस्ट करेंगे और मुझे ये इतना कम प्राइस में कैसे मिला वो तो आपको बताऊंगा। देन वीडियो का एंड में बताऊंगा कि क्या ये हेडफोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है और क्या आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए। सिर्फ इस एक वीडियो में ये सभी टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ। आप इसी वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिए, पूरे शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टार अभिषेक टेक्निकल। स्टार्ट करते हैं और अभी तो इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, बट उससे पहले जिनको पता नहीं है उनको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम पे एक डील्स का फैमिली है जहाँ पे मैं अच्छा अच्छा डील्स पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपको डील्स देखना अच्छा लगता है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब सबसे पहले करते हैं इसका अनबॉक्स। और इस हेडफोन का सेफ्टी के लिए इसका बॉक्स के ऊपर में कुछ पेपर्स है, इसको अब रखता हूँ साइड में। देन फाइनली ये है हमारा गेमिंग हेडफोन का बॉक्स। इसके अंदर में है इसका इनवॉइस और इसका प्राइस है 236 रुपीज प्लस 18% का GST। सो इसका प्राइस है 279 रुपीज। और ये मेन बॉक्स और ये बिल को यहाँ पे साइड पे रखता हूँ और अब देखेंगे हेडफोन कॉस्मिक बाइट GS411 स्टारलाइट गेमिंग हेडसेट और इसका कुछ स्पेक्स यहाँ पे और इसका बैक साइड में मेंशन है और इसका MRP है 1199 रुपीज, बट मैंने इसको ओनली 279 में लिया। कैसे लिया आपको थोड़े टाइम के बाद पता चल जाएगा। चलिए अब इसका सील को करते हैं ब्रेक। फाइनली ये है हमारा मेन गेमिंग हेडसेट। और यूजर मैनुअल इसके अंदर में नहीं है क्योंकि मैंने इसका रिन्यूड यूनिट को लिया था, बट दोस्तों अपने बिलीव ही नहीं करेंगे, इसका जो क्वालिटी ब्रांड न्यू जैसा है और इसमें एक भी स्क्रैच या डेंट कुछ नहीं है। और एक एक यूजर ऐसे होते हैं जो कि अच्छा प्रोडक्ट को रिप्लेस करते हैं, बाद में रिटर्न करते हैं, तो सेम यूनिट आपको मिलता है, इसलिए इसका क्वालिटी अच्छा रहता है। और इस हेडफोन का वेट है अप्रोक्स 200 ग्राम और इसका साइज के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। और इसी हेडफोन 3 कलर में अवेलेबल है, ब्लू, रेड एंड येलो, और मेरे पास इसका येलो कलर का वेरिएंट है। और इसका डिज़ाइन ऐसा है, आपको लगेगा कि इसमें ब्लू कलर का लाइट ऑन हुआ है, बट यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, पे येलो कलर के ऊपर में ब्लू कलर का डिज़ाइन किया गया है जो कि देखने के लिए अच्छा लगता है। और इसमें 40mm का ड्राइवर मिल जाता है, इसलिए आपको थोड़ा ये बड़ा लगेगा। और इसका ईयरकप्स में कुशंस मिल जाता है। मैं नहीं सोचा था कि इसका क्वालिटी इतना अच्छा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इसका क्वालिटी अच्छा है। और इसका हेडरेस्ट का आउटर पार्ट में प्लास्टिक का बॉडी है और इसमें भी कुशन मिल जाता है और इसमें एडजस्टेबल हेडबैंड मिल जाता है। इसका इनर का पार्ट मेटालिक है और इसका क्वालिटी अच्छा है। और इसका हेडबैंड फ्लेक्सिबल है, देखिए इसको मैं कितना बेंड करता हूँ बट इसका कुछ भी नहीं होता है। और यह है राइट चैनल और यह है लेफ्ट चैनल। और इसका लेफ्ट चैनल में यहाँ पे वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए एक व्हील मिलता है, आप यहाँ से वॉल्यूम को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। इसका लेफ्ट चैनल में है एडजस्टेबल माइक्रोफोन, अगर ये डिटेचेबल होता तो थोड़ा अच्छा होता, फिर भी चलेगा क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही कम है। और इसमें 2 मीटर का एक ब्राइडेड केबल मिल जाता है, तो इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इसका क्वालिटी सुपर्ब है। और इसमें 3.5mm प्लग मिल जाता है, इसलिए इसको इजीली आपका फ़ोन, लैपटॉप, PC और TV में भी लगा सकते हैं। तो चलिए फाइनली अब इसका गेमिंग टेस्टिंग करते हैं। और इसमें 40mm ड्राइवर है, इसलिए यह बहुत ही अच्छे से फिट हो जाता है और इसको लगाने के बाद बाहर का साउंड, बाहर का नॉइस नहीं आएगा।
ये वायर्ड हेडफोन है, इसलिए गेमिंग करते टाइम लैटेंसी नहीं आता है और इसमें स्टेरियो इफेक्ट भी अच्छे से आता है। म्यूजिक में इसका साउंड का क्वालिटी ठीक है और आपको तो पता चल गया होगा कि इसमें एक माइक्रोफोन मिलता है। चलिए अब इसका टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों अभी आपने जो ऑडियो सुन रहे हैं ये कॉस्मिक बाइट गेमिंग हेडसेट का इसका माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। क्वालिटी कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका माइक्रोफोन का क्वालिटी अच्छा है। दोस्तों इसे गेमिंग हेडफोन के बारे में अभी तो आपको सब कुछ पता चल गया होगा, चलिए अब आपको बताता हूँ इसका प्राइस। तो देखिए जब इसका रिन्यूड यूनिट ऑफर में था, यानी जब ये 279 पे मिल रहा था, तब इसको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था और हमारा जो भी मेंबर्स का ये ज़रूरत था वो सभी ने इसको लूटे हैं। इसका न्यू यूनिट का भी एक डील्स आया था, ये ओनली 399 पे मिल रहा था। डील्स में इसका रिन्यूड यूनिट को मैंने 279 रुपीज़ में लिया था, बट अभी तो इसका रिन्यूड यूनिट स्टॉक में नहीं है, बट इसका न्यू यूनिट स्टॉक में है और येलो कलर का प्राइस है 552 रुपीज़, बट ये रेड और ब्लू कलर का प्राइस है 499 रुपीज़। और इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे इसी हेडफोन का रिन्यूड एंड न्यू यूनिट का बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, आप इसका प्राइस को चेक कीजिए। अगर रिन्यूड यूनिट 300 के अंदर में मिलता है तब आपने ले सकते हैं और न्यू यूनिट को 500 के अंदर में ले सकते हैं। शायद आपको ये पता नहीं होगा, अगर आपने रिन्यूड यूनिट को लेते हैं आपको सेलर से 6 मंथ का वारंटी मिलता है। अगर आपने इसका न्यू मॉडल को लेते हैं आपको ये कॉस्मिक बाइट ब्रांड से 1 ईयर का वारंटी मिलेगा। और इसको लेने के लिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा होने के साथ साथ इसका डिज़ाइन अच्छा है और इसमें 40mm ड्राइवर है। इसका साउंड क्वालिटी ठीक है और इसका माइक्रोफोन का क्वालिटी भी अच्छा है और ये कॉस्मिक बाइट ब्रांड का है जो कि गेमिंग हेडफोन में अच्छा कंपनी में से एक है। और आपको फिर से भी रिमाइंड दे देता हूँ कि अगर आपको डील्स देखना अच्छा लगता है, डिस्क्रिप्शन पे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसे वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसे वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ हमारा चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए, क्योंकि यूट्यूब में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। और इस वीडियो में तो इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।